12, 22, 24, 42, 51, 98, 99, 100. आप इतनी देर तक पानी में रही, आपको तकलीफ नहीं हुई? आप रनिंग में भी फंस जाती हैं, स्विमिंग में भी फंस जाती हैं। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो नंदनी जी। इस तरह से क्यों रो रही हो? तुम्हारी शादी मुझसे होने वाली है, तुम मेरी वाइफ बनने वाली हो। इस तरह रो मत। मुझे अपनी वाइफ मत बोलो, पापा को पता चल गया ना। अरे तेरे बाप को मालूम होने दे, तेरे बाप के बाप को मालूम होने दे, वो मेरा कुछ नहीं कर सकते हैं। आखिर तू मेरी है ना। कितना मीठा है नारियल पानी, वैसे ये अपनी ही खेती का है ना। सेठ जी, आपका बेटा जमींदारी छोड़ के शंकर गौड़ी की बेटी पर नजर टिकाए हुए है। वो उससे शादी भी करना चाहते हैं, अगर उसके बाप को पता चल गया तो वो चुप बैठेगा क्या? क्या कर लेगा रे शंकर गौड़ी? उसकी अपनी लड़की की शादी मेरे बेटे से कराने में उसको क्या तकलीफ है? हाँ, क्या खराबी, क्या खराबी मेरे बेटे में? कुत्ते के बच्चे, तू मेरी बेटी से शादी करने का ख्वाब देख रहा है? ए, मैं तेरे टुकड़े टुकड़े करके कुत्ते को खिला दूंगा। अरे अरे जीजा जी, जीजा जी ऐसा मत करो, इसे माफ कर दो। पहचान वाली लड़की थी इसलिए ये सोचकर वो रिश्ता बढ़ाने के लिए चला गया था, आज के बाद ऐसा नहीं करेगा। माफ कर दीजिए जीजा जी, माफ कर दीजिए। अगली बार तू से बात करना तो दूर, इसके आस पास भी अगर दिखा तो तुझे गन्ने की तरह छील कर रख दूंगा, समझा क्या? जिस बेटे को तूने पैदा किया उसे मारने के बजाय उसके आगे हाथ जोड़ रहा था। बेटा मेरी बात समझने की कोशिश कर, उसके हाथ में तलवार थी और वो गुस्से में था, ऐसे में उसको मैं क्या समझाता? लेकिन आज जिस पैरों से उसने तुझे मारा है, कल उसी पैरों पे चलकर अपनी बेटी का कन्यादान करने मेरे पैरों पे आएगा, नहीं तो मेरा नाम गौरी शंकर नहीं। नंदिनी कैसा चल रहा है बेटा? आपके कपड़े कैसे खराब हुए? वो कुछ नहीं, खेत में गन्ने काट रहे थे इसलिए कीचड़ लग गया। और ये लोग आपके साथ क्यों गए थे? ऐसा क्या काम था? हम लोग उसे मारने गए थे। मारने? लेकिन किसको? मारने के लिए नहीं गए थे बेटी, वो खेती का काम था इसलिए गए थे, वही कीचड़ लग गया। ए, ए, चलो यहाँ से, चलो चलो चलो। ये सब मामूली बातें हैं, ये तो चलता रहेगा, तू जाके बैठ जा। लेकिन वो जाकर बैठ जा। कमाल की लड़की है। सुनो, वो एनआरआई लड़की का रिश्ता आया था ना, वो तो हम दोनों को पसंद है, उसके बारे में पूछताछ कीजिए ना। शादी कब करनी है, कहाँ करनी है, कैसे करनी है, ये सब मुझे पता है। मैं अभी स्नान करके आता हूँ, नाश्ता तैयार रखना। नमस्कार भाई। किससे मिलना है? SMS सत्या भाई के पास एक छोटे से काम के लिए आया था। भाई के आने का वक्त हो गया है, ऐसे कोई बीच में खड़ा रहता है तो भाई को बहुत गुस्सा आता है। हाँ। तो उधर साइड में खड़े रहो, बाद में मिल लेना। ठीक है भाई।
हेलो SMS ऑल इंडिया सेटलमेंट सत्या सेल इज माई हैंड इंडिया इज माई हैंड मैं बिजनेस हमेशा डॉलर से करता हूँ इंडियन करेंसी से मुझे एलर्जी है फॉरेन करेंसी मेरी एनर्जी है समझ गया ना नॉनसेंस भाई भाई खड़ा हो जा उठ 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 ए कौन है तू हां तेरा चेहरा तो फूल जैसा मासूम है मुझसे तुझे क्या काम है जो तू मेरा पैर पकड़ रहा है या फिर भीख मांगने का या नया तरीका अपनाया तुझे समझ में नहीं आता क्या नाम है तेरा मेरा नाम कृष्णा है भाई 3 दिन से आपको ढूंढ रहा हूँ भाई मुझे कोई छोटा मोटा काम दे दो मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ भाई मेरा फैन है कहकर मुझे कहीं चढ़ा तो नहीं रहा है जो भी हो देख लेता हूँ देखने में तो बहुत मासूम लगता है यह स्टाइलिश आदमी का बिजनेस है यह मासूमियत नहीं चलती डेयरिंग करनी पड़ती है मेरी तरह तूने चंदन ऐसे क्यों लगाया है ऐसे लगाना चाहिए था ना ठीक है भाई आप जैसा बोलते हैं वैसे ही लगाऊंगा आप कहो तो मैं अपनी जान भी दे दूंगा ये लल्लू जान देने को कह रहा है आप आजमा कर तो देख लीजिए ये सही बोल रहा है क्या क्या बोलता है हां भाई आओ 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 फॉलो मी ए ओ सॉरी भाई भाई ये रिंग रोड लैंड पेपर्स सेटलमेंट हो गया है डॉक्यूमेंट पेपर्स एकदम परफेक्ट है हाँ भाई डॉक्यूमेंट परफेक्ट है तो मेरे पास क्यों आया इसको रिजेक्ट कर दे ए सत्या ऐसी डीलिंग नहीं करता है ऐसे डॉक्यूमेंट्स को कचरे में डाल देता है सत्या SMS डील करता है जमीन के पेपर में लेटिगेशन होना चाहिए लेटिगेशन क्लियर प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे तो आपको भी थोड़ा पैसा मिलेगा ये लेटिगेशन का क्या सीन है भाई यही तो लेटिगेशन का सीक्रेट है लेने वाला पूरा लेता है देने वाला पूरा देता है बीच की मलाई मेरी होती है आई हेट परफेक्ट डॉक्यूमेंट्स गेट आउट आउट ओके भाई भाई आप अपनी जगह पर कोई दूसरा भाई आकर गुंडागर्दी कर रहा है ये कहां गया गायब हो गया ऐसा न्यूज सुनकर गायब भी हो जाएगा ए, मुझे पता था ये अपने साथ नहीं चलने वाला शक्ल देखकर ही मैं आदमी को पहचान जाता हूँ वो रिक्वेस्ट कर रहा था इसीलिए मैंने रख लिया था करिया नो प्रॉब्लम SMS को धमकी देता है मूव जहाँ हमारा सत्या भाई डील करने वाला है वहाँ आकर गुंडागर्दी करोगे तो तुम्हें जिंदा काट दूंगा भाई इतना बहुत हुआ या और भी कुछ करूँ आपके लिए तुम्हें लफड़ा करने की क्या जरूरत थी अरे प्यार से हैंडल करना चाहिए था ना तुम्हें समझ में नहीं आता क्या कॉमन सेंस नहीं है क्या मुझे टेंशन दे दिया हेलो SMS मैं बॉम भाई बोल रहा हूँ बोलिए सर तूने मेरे भाई को मारा बताया और सर रोड जेल में मैंने क्या मुझे अच्छी तरह पता है सर मैंने टीवी पर देखा था सर मेरा आपका क्या संबंध है मुझे मालूम होते हुए भी तूने मेरे भाई पर हाथ डाला सर मैं माँ कदम कहता हूँ अपनी कोट की जेब में भी हाथ नहीं डालता आपके भाई के ऊपर कैसे हाथ डालूंगा एक नया लड़का आया उसी ने आपके भाई को मारा है सर गलती हो गई सर उस लड़के को खत्म कर दो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा सर हेलो सर मुझे एक चांस दे दीजिए सर तुझे जान से मार दूंगा कौन है रे तुझे मालूम ही है कौन है तूने इसके ऊपर हाथ उठाकर तिहाड़ जेल की घंटी बजा दी है ये बॉम का भाई है जानता है तू ठीक है तो फिर उसको जेल में जाकर उठा लेते हैं उठा लूंगा ऐसे बोलता है जैसे भैंस का गोबर उठाएगा तूने मुझे प्रॉब्लम में डाल दिया अभी मैं क्या करूं चलो मेरे साथ चलो भाई मुझे प्रॉब्लम तो बताओ हम लोग मिलकर सॉल्व कर लेंगे ना उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं वहां जा रहा हूं मतलब इसका मतलब है मामूली आदमी को प्रॉब्लम होती है तो वो बड़े आदमी के पास जाता है उस बड़े आदमी को प्रॉब्लम होती है तो उससे बड़े आदमी के पास जाता है अगर उसको भी प्रॉब्लम हुई तो सबसे बड़े के पास जाता है अगर सबसे बड़े आदमी को प्रॉब्लम हुई तो वो मेरी तरह हो जाता है इसीलिए चलो मेरे साथ भाई, चलो कहाँ पर उस बड़े आदमी के पास चलो मेरे साथ चलो चलो जल्दी करो जल्दी गाड़ी में बैठो गाड़ी में चलो मर जाऊंगा भाई ये कौन है राक्षस की तरह दिख रहा है इसका नाम बद्री है शंकर गौड़ी का राइट हैंड है हाँ। वो जैसे नारियल तोड़ रहा है ना हाँ। वैसा ही आदमी को तोड़ के रख देता है उसे तुम मामूली मत समझना उसे देखते ही लोगों की चड्डी गीली हो जाती है ठीक है भाई
भाई ब्रेन अब क्या सेटलमेंट सत्या भाई, बहुत दिनों के बाद इधर आया भाई। अरे एक सेटलमेंट करने आया था, बहुत गड़बड़ हो गई है। टेंशन मत लो भाई, अंदर बैठे हैं, हिम्मत से जाओ। ठीक है, तुम संभाल के तोड़ना, कोयता की धार तेज है, घुस जाएगा। चलो रे। बैंगलोर में इतना बड़ा कारोबार है, तब तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा आदमी होगा, तो फिर ये ऐसे सिंपल क्यों रहता है? सुनो, तुम उस गौड़ी के राइट हैंड से संभल कर रहना। सेटलमेंट करने वालों का एक सर्कल होता है, शंकर गौड़ी के सामने एकदम शांत रहना। ठीक है भाई। वो कौन है भाई? शंकर गौड़ी की बेटी है वो। बहुत अच्छी है भाई। हम लोग यहाँ अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आए हैं, क्रिएट करने के लिए नहीं। अगर वो देख लिया ना तो हमारी आंखें निकाल कर हाथ में दे देगा, और अगर ज्यादा बात की ना तो गर्दन काट कर दरवाजे पे लटका देगा। चुपचाप रहना। हाँ ठीक है भाई। भाई अगर इस लड़की के साथ हम में से किसी की सेटिंग हो गई तो इसकी उसके साथ शादी हो जाएगी और हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कैसा आइडिया है? एक छोटा सा करंट लगने के बाद शरीर में इतना झटका लगता है, अगर इन्वर्टर छू लिया तो जल के राख हो जाएगा, हार्ट अटैक करवा देगा। जा पीछे, अब आजा मेरे पीछे। अरे बाप रे, ये बीपी सुगर और पाइल्स सब कुछ करा देगा। हे भगवान। नमस्कार भाई। ठीक है, बैठ जा। ऐसे ही ठीक हूँ भाई। और क्या हाल है, कैसा चल रहा है? वो कोई यहाँ बॉम नाम का दादा है भाई, वो मुझे बॉम्ब डालूंगा कहकर ब्लैकमेल कर रहा है भाई। मैंने उसे बताया था कि मैं शंकर गौड़ी का आदमी हूँ, उसने फोन कट कर दिया भाई। चुपचाप अच्छी जिंदगी जीने के बजाय गांव के सारी प्रॉब्लम अपने सिर पर ले लेते हो, और ये सब क्या लेके आया है? सेटअप गेटअप? रियल एस्टेट का बिजनेस है ना भाई, बहुत रफ बिजनेस है, और रियल एस्टेट का बिजनेस करने के लिए गेटअप रखना पड़ता है भाई। भाई वो बॉम को एक फोन कर देंगे भाई। भाई वो एक लड़का यहाँ पे आया था ना, वो हमारी नंदिनी को भगा कर ले गया भाई। क्या मेरे साथ आया है भाई? वो लड़का कौन है भाई? मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, कौन है वो? भाई मेरी माँ की कसम, मुझे कुछ पता नहीं है भाई। वो आज ही मेरे पास आया था, कोई छोटा मोटा काम करने के लिए कह रहा था भाई। बद्री जी भाई, वो जो लड़का मेरी बेटी को लेकर गया है, उसे गाँव क्रॉस करने से पहले मेरी बेटी यहाँ मेरे सामने होनी चाहिए, और वो लड़का जिंदा नहीं बचना चाहिए। तब तक इन लोगों में से किसी को भी छोड़ना मत। चलो। ए, तेरे साथ जो लड़का है था ना, वो लड़की को लेके भाग गया है, और तू यहाँ सूट पहन के बैठा है। निकल जल्दी से, निकल। रहने दो, मेरे कपड़े मत उतारो, मेरी इज्जत उतर जाएगी भाई। ये तो मैं काम करने वाले कपड़े, दो इसे, फेंक दो इसके कपड़े। अरे मेरे कपड़े मत फेंको भाई। वो रहा। चलो चलो जल्दी चलो, गाड़ी तेज चलाओ। तू इधर आ। अरे बाप रे, मिलाया था ना उस लड़के को? एक आज तेरी ही वजह से वो लड़का नंदिनी को लेके भाग रहा है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तेरी वजह से मेरी ये हालत हुई, तू भाग भाग कर कहां जाएगा? मैं तुझे पकड़ कर यहाँ लेकर आऊंगा, तुझे ये लोग छोड़ेंगे नहीं। यहाँ इस तरफ चलो, जल्दी भागो। ए तुम लोग इधर जाओ, तुम लोग उधर जाओ। नंदिनी चलो उठो जल्दी, उठो जल्दी, चलो भागो। Come on.
नहीं तो तुम लोग यहाँ पानी में क्या कर रहे हो? वो तुम्हारे सामने से चले गए, हाँ? देखा तुम लोगों ने कैसे वो जंप मार कर चला गया, हाँ? वो अकेले ही जंप नहीं मारा, वो अपने साथ उस लड़की को भी जंप मरवा कर ले गया। क्या दोनों ने प्यार से जंप मारा यार? अरे नालायक कहीं का, मैं तो बेवकूफ था, मुझे पता नहीं चला। लेकिन तुम क्या कर रहे थे मैं नहीं जानता। वो लड़की को किडनैप कर लिया, तुम लोग ढूंढो उसे। तुम लोगों को जरा भी शर्म नहीं है, सिर्फ बॉडी दिखाओगे, दिमाग नहीं चलाओगे। अरे हराम खोरो, तुम लोग किसी काम के नहीं हो। अरे तुम लोग मेरी परवाह मत करो, जाओ पकड़ो उसे। तुम लोग एक चीटी भी नहीं मार सकते, तुम किसी काम के नहीं हो नालायक। अरे मुझे देखो, मैं सिंगल पैक का आदमी हूँ, लेकिन वो बद्री भी मुझसे डरता है। आहा, क्या ठंडा ठंडा पानी है। स्टॉप 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 प्लीज स्टॉप। सर हमें लिफ्ट दे दीजिए प्लीज। आप लोग बहुत टेंशन में लग रहे हो, आ जाइए गाड़ी में बैठिए, आइए। थैंक यू सर। अच्छा बताओ, तुम लोग कौन हो, कहाँ से आ रहे हो, इतना टेंशन में क्यों हो तुम लोग? ये एक बहुत बड़ी कहानी है सर। मेडिकल कॉलेज है, आज फर्स्ट टर्म एग्जाम का रिजल्ट आया है। अरे को वैरायटी वैरायटी कहने वाला प्रिंसिपल इस फंक्शन में कौन सी वैरायटी करेगा, चलिए देखते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे कॉलेज के बेस्ट स्टूडेंट्स को एक वैरायटी के साथ सम्मानित करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन सुबह ही मुझे एक आइडिया आया कि हमारे कॉलेज में बेस्ट महान रैगिंग स्टूडेंट्स को राजकीय सम्मान से सम्मानित किया जाए। वो तो मामूली बात है, आज हॉलीवुड में बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट एक्टर चुने जाते हैं, खराब एक्टर और खराब एक्ट्रेस भी चुने जाते हैं। ठीक उसी तरह मैंने भी इस वर्ष हमारे कॉलेज में बेस्ट स्टूडेंट्स के साथ साथ वर्स्ट स्टूडेंट्स को भी चुना है। तो अब मैं बेस्ट स्टूडेंट्स को बुरे स्टूडेंट से सम्मानित करने की सोच रहा हूँ एक वैरायटी के साथ। तो हमारे कॉलेज में 98% रिजल्ट के साथ बेस्ट स्टूडेंट है नंदिनी। मुझे लगा मोबाइल साइलेंस मोड पर होगा सर। मारो भैया मारो, अगर क्लास चालू रहती हो तो बंक मारो, लड़की खड़ी हो तो उसे आंख मारो, एग्जाम में कॉपी मारो और लास्ट में डुबकी मारो। हमारे कॉलेज में 9% मार्क्स लेकर आया कृष्णा, 15% मार्क्स लेकर आया मणिकंठा, 12% लेकर आया राजेश और 8% मार्क्स लेकर आया जगदीश। फर्स्ट स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर इन दिस कॉलेज प्लीज स्टैंड अप। क्या तुम लोग उधर ही खड़े रहोगे? यहाँ स्टेज पर आकर सबको अपनी शक्ल तो दिखाओ, तुम लोगों को देखकर ही तो सबको नसीहत मिलेगी और तुम लोग सबके लिए इंस्पायरेशन बनोगे, ताकि कोई भी कम नंबर नहीं लेकर आए। यार ये तो अपना इंसल्ट कर रहा है। अरे इनको तो ये भी समझ में नहीं आता है कि कौन सी बात पे क्लैप मारना चाहिए कौन सी बात पे नहीं, ये सबके सब पागल है। महान आत्माएं आइए। ठीक है सर, हम आ ही रहे हैं, चल रहे। हाँ चलते, चलो। नमस्कार नमस्कार। अब तुम सब वर्स्ट स्टूडेंट्स बेस्ट स्टूडेंट्स को शील्ड देकर सम्मानित करने आ जाओ। इतना खुश मत हो, शील्ड हाथ में पकड़, पकड़ना। बेटे तुम्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का एक मौका यहाँ मिला था, हाँ। लेकिन तुमने अपनी नादानी में खेल कूद में इस मौके को गंवा दिया है। कल तुम अपने पेरेंट्स को लेकर आना। इट्स नॉट माई रिक्वेस्ट, इट्स अ वार्निंग। ये खाने के लिए कोई बर्गर है या रंगीन कपड़े है भागने के लिए? भगवान हमें देगा तो हम खाएंगे, लेकिन ना वो दे रहा है ना हम खा रहे हैं, अब ऐसे में हम लोग क्या करेंगे यार? अरे मैं वर्स्ट स्टूडेंट हूँ, अगर मेरे बाप को पता चलेगा तो। ये तुम्हारे कारण फेल हुआ है, इस
इसको तुम्हारे बाप तो ठीक है, पट्टे से मारकर छोड़ दिया। मेरे बाप ने गले में रस्सी बांधकर बैल बना दिया। तुम्हें स्कूल भेजने के बजाय यहाँ बैल के साथ तुम्हें जोतना तो वही अच्छा होगा। कृष्णा तेरा क्या हाल होगा? मेरा ना डैडी, आपको हमारे प्रिंसिपल साहब मिलना चाहते हैं। हाँ तो मेरी फोटो लेके जा, वही उनको दिखा देना। आप भी मजाक कर रहे हैं डैडी, वो आपके साथ बहुत करीब से बात करना चाहते हैं डैडी। करीब से बात करने की वजह क्या है बेटा? बस वो आपसे आपके बेटे के बारे में दो चार बातें करना चाहते हैं। नहीं रहने दे बेटा, पिछली बार जो उन्होंने तुम्हारी तारीफ की थी वो तो अभी तक मेरे कानों में गूंज रही है और उस सदमे से मैं अभी तक बाहर नहीं निकला हूँ बेटा। वो तुम्हें गाली देते हैं या मुझे गाली देते हैं मेरी समझ में नहीं आता। बेटा कृष्णा, तू मेरी एक बात मान ले, तू ऐसा कर अपनी माँ को लेकर जा। क्यों जी, मुझे कहाँ ले जाने की बात कर रहे हो? अरे तुम बाहर तो आओ ना, बताते हैं। क्या है जी? भाग्यवान, दरअसल इनके कॉलेज के प्रिंसिपल मुझसे मिलकर कुछ बात करना चाहते हैं, लेकिन आज ऑफिस में मुझे कुछ काम है तो तुम चली जाओ। हमेशा तो तुम जाते हो, लेकिन इस बार मैं क्यों? वो ऐसा है ना कि इसी बहाने तुम जरा प्रिंसिपल से भी परिचित हो जाओगी, है ना? ये बात तो ठीक है, तुम रुको मैं तैयार होकर आती हूँ। ठीक है? ठीक है मम्मी। ओहो, अरे वाह डैडी, आपके दिमाग में ये आइडिया आया कहाँ से? तेरी हरकतों की वजह से बेटा। सुपर डैडी। कॉलेज में हमारी कोई इज्जत नहीं है बॉस। अरे हमारी हरकतें ही ऐसी। क्या करते हो यार, अच्छा है बुरा है पता नहीं चलता। अरे सर आ रहे हैं, सीधे खड़े हो जाओ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। क्यों भाई खड़े होकर क्या सोच रहे हो? क्या सोचना, इस बारे में सोच रहे हैं कि हमारा क्या होगा? किस बारे में सोच रहे हो? अगर तुम लोग मन से काम करो तो कुछ भी हासिल कर सकते हो। क्या कुछ भी हासिल कर सकते हैं सर? जो चाहोगे वो। वो कैसे सर? अपने आप को प्रूफ करके दिखाओ। हमें प्रूफ करना पड़ेगा? और क्या। ठीक है। ये जलती हुई तिल्ली देखी? सिर्फ आप देख सकते हो, जला नहीं सकते हो, प्रूफ कैसे करोगे सर? इस जन्म में तुम लोग सुधर नहीं सकते। तो कब सुधरेंगे? तो आप जा सकते हैं। थैंक्स। वेलकम। अरे ये तो अपनी माँ को भी लेके आ गया, हमारे मम्मी पापा तो आए नहीं, हम क्या जवाब देंगे? कैसी हो आंटी? मैं ठीक हूँ, तुम लोग ठीक हो ना? हम लोग ठीक हैं आंटी, आप कैसी हो? हाँ मैं ठीक हूँ। अरे तुम लोगों के माँ बाप दिखाई नहीं दे रहे? बस वो अभी आ रहे हैं। अच्छा, एक मिनट आंटी, जरा इधर आना। क्या हुआ? क्या यार, तू तो अपनी माँ को यहाँ पर लेकर आ गया, तेरी माँ मेरी माँ का नाम बता देगी तो? जरा भी टेंशन मत ले यार, मेरे पास इसके लिए एक प्लान है। क्या बात है बेटा, ये प्लान व्लान की क्या बात हो रही है? कुछ भी नहीं मम्मी। कुछ भी नहीं आंटी, चुपचाप खड़ा रहना। मम्मी वो मैं प्रिंसिपल के बारे में बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, मैं बताता हूँ ना, तुम चलो। मम्मी प्रिंसिपल ने डैडी को बुलाया था, ये जो हमारा प्रिंसिपल है ये हमेशा सबके साथ इंग्लिश में ही बात करता है। और तुम्हें तो इंग्लिश आती ही नहीं है मम्मी, अगर लोगों को पता चलेगा तो लोग कहेंगे कि कृष्णा की मम्मी को इंग्लिश आती ही नहीं है, तो सोचो मेरी कॉलेज में क्या इज्जत रह जाएगी। अब मैं क्या करूं, मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं हूं। इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। तब तो ठीक है, मुझे क्या करना होगा ये तो मुझे बता दो बेटा। ठीक से देखो, मैं ऐसे करूंगा तो नो बोलना, ऐसे करूंगा तो ओके बोलना, और ऐसे करूंगा तो ऑल राइट बोलना, ठीक है ना? अरे इंग्लिश इतनी ही है क्या बेटा? इसके आगे इंग्लिश है ही नहीं। चुप कर। मेरा प्यारा बेटा। यस कमिंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर माय मदर सर। नमस्ते सर। नमस्कार, बैठिए, अच्छी है ना? सर इवन शी इज अ ग्रेजुएट सर, यू कैन स्पीक टू हर इन इंग्लिश। इज इट गुड? वेरी गुड, वेरी गुड, बट अनफॉर्चुनेटली योर सन इज नॉट सो गुड। नो नो, योर सन इज नॉट अटेंडिंग द क्लास रेगुलरली। Even if he attended, I receive a lot of complaint on him. Okay. Okay? What did you say? Okay. What's okay? I'm trying to tell you very seriously. Please try to understand, madam. Mummy, ye wala. Right. Did you say right? No. Please say, what is okay, what is no, what is right. I am telling you, this is the last warning. Madam, I have never seen a mother like you. Okay. What's okay? Now I know how children are spoiled by their mother. Okay. It's okay for you. How can it be okay for you? Don't have any brain? Right. Please somebody help me. What's happening here? Yes, sir. Right. If I spend some more time with you, I'm sure I will forget everything what I've learned. Please, I'm telling you, your son is far, far better than you. Yes. All right. Right, at least you got it. For a God's sake, please don't talk.
विल यू प्लीज डू मी अ फेवर? यस सर। विल यू प्लीज टेक हर अवे एंड सेव मी प्लीज? ओके सर। आंटी अब अगले साल आएंगे, चलो। नमस्ते सर। नमस्कार, चलता हूँ। हाँ ठीक है ठीक है, जाओ। क्या मदर है। नेक्स्ट। यस यस। अरे कृष्णा, जिस तरह हम लोगों ने सोचा था बिल्कुल वैसे ही हो गया और हमारी इज्जत बच गई। सुन बेटा, भले ही भाषा में समझ नहीं पाती लेकिन भाव तो समझ पाती हो ना। तुम लोग कॉलेज में बहुत मस्ती कर रहे हो, मैं मजाक मस्ती करने के लिए मना तो नहीं कर रही हूँ। पढ़ाई भी जरूरी है, उस पर ध्यान दो। हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उनके बच्चे लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर, एक्टर हो। बहुत उम्मीद के साथ माँ बाप अपने बच्चों को कॉलेज भेजा करते हैं। उनके सपनों को इस तरह से मत तोड़ो। तुम लोग मन लगा कर पढ़ोगे तो जिंदगी में सफल हो जाओगे। तुम लोगों की खुशियों में ही हम माँ बाप की खुशियां शामिल हैं। जरा संभल के चलना, अंदर कहीं कुत्ता ना हो। ए, चुपचाप बैठ। अरे सब लोग चुप रहो। अरे भाई। हाँ? कौन हो तुम लोग? पानी वेस्ट मत करो, बंद कर दो। जो दिमाग बंदर में होता इंसान में नहीं होता। टीवी नहीं देखते क्या? जाओ अपने मालिक को बुला लाओ। मैं जानता हूँ, मुझे मत समझाओ। अकल देने वाले तुम लोग हो कौन? गरीबों को कपड़े दान करने हैं इसलिए कपड़े लेने आए हैं, जाकर बोलो। तुम सब शक्ल से तो चोर नजर आ रहे हो। तुम लोग कपड़े क्या दान करोगे? नौकर को नौकर की तरह रहना चाहिए, मालिक की तरह क्यों उछल रहे हो? क्या तुमको पता नहीं चल रहा है कि हम लोग कॉलेज स्टूडेंट्स हैं? जाकर बोलो। तुम्हारी बात तो मुझे समझ में आ रही है मगर ये बटले के ऊपर मुझे शक हो रहा है। तुम लोगों को अगर पैसे मिलेंगे तो बार में नजर आओगे, अगर कपड़े मिलेंगे तो चोर बाजार में दिखाई दोगे। सुबह सुबह दिमाग का दही मत करो, चुपचाप जाकर तुम अपने मालिक को बुला कर लाओ। नहीं बुलाऊंगा तो क्या करोगे? हम क्या करेंगे, चुपचाप अपने घर चले जाएंगे। चाचा। अरे नंदिनी। अरे तुम लोग यहाँ? दीदी क्या तुम इन लोगों को जानती हो? जानती हूँ चाचा, ये हमारे कॉलेज के फ्रेंड्स हैं। लेकिन तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? गरीबों के लिए कपड़े लेने आए हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम लोग अच्छे स्टूडेंट हो, तुम सब गरीबों की मदद करना चाहते हो। भविष्य तुम्हारा बहुत अच्छा होगा। थैंक यू अंकल। अंदर आ जाओ। नंदिनी ये क्या कर रहे हो? सारे कपड़े इन्हें दे रही हो, फिर हम क्या करेंगे? ये अच्छे काम के लिए है चाची। हाँ? तुम चुप रहो, घर में और कपड़े हैं। अच्छे काम के लिए दे रही है, देने दो। नंदिनी तुम्हारे घर वालों का दिल बहुत बड़ा है, थैंक यू। अंकल आप ना हमेशा ऐसे ही कपड़े पहनना। क्यों बेटा? इन कपड़े में अच्छे लगते हो। ए कर ले मजाक, कर ले। क्या सोच रहे हो बेटा? कॉपर सल्फेट से हम इसे कॉपर मैग्नीशियम में डालेंगे। इसमें से इसमें डालेंगे तो कुछ और बन जाता है। लैब के सारे केमिकल्स मिला देंगे तो पूरा लैब गंदा हो जाता है सर। और आने वाले 2012 में सारे वैज्ञानिक इस पर खोज कर रहे हैं सर। आप भी ग्रेट साइंटिस्ट हो सर, आप भी कुछ बता सकते हो? पता नहीं कहाँ से आ गए, पूछा तो चले गए। तुमने इसमें क्या मिक्स कर दिया? सर वो। अरे करेक्ट मिक्स किया है तुमने। अरे किस बात का टेंशन ले रहे हो? इतने दिनों में आज पहली बार किसी ने करेक्ट मिक्स किया है। वेरी गुड वेरी गुड। थैंक यू सर। कीप इट अप। ओके सर। थैंक्स नंदिनी। वो क्यों? तुमने आज जो मेरी लैब में मदद की इसके लिए, तुम्हारी वजह से ही प्रोफेसर ने मुझे शाबाशी दी। तुम में बहुत सारे टैलेंट्स हैं, लेकिन तुम उनका सही इस्तेमाल नहीं करते। मैं क्या करूं नंदिनी, एक इंसान को अच्छे से रहने के लिए उसको अपना रंग ढंग बदलना चाहिए, और ये सारी खूबियां हम में नहीं है, उनको देखो ना। कृष्णा को पहली बार शाबाशी मिली कितना खुश है वो। क्यों खुश नहीं रहेंगे, पहली बार शाबाशी मिली तो खुश रहेंगे ही ना। उनमें से एक भी सही नहीं दिख रहा है, सारे के सारे बिगड़े हुए हैं। बटला दिख रहा है, दिमाग भी उसका उतना ही है। पढ़ाई के नाम से घर से पैसे तो मिल जाते हैं उसको, लेकिन आधे टेढ़े खर्चे बहुत करता है। और वो दूसरा देख रही हो, जवान बुढ़ा, उसे भी पढ़ाई के नाम पर घर से पैसे तो मिल जाते हैं लेकिन मजे उड़ाता रहता है। अब ऐसे लोगों के बीच में अगर मैं रहूंगा तो बताओ मुझे कैसे शाबाशी मिलेगी? आज एक दिन मिली है, कल फिर इनके साथ रहूंगा, फिर वैसे ही पहले जैसी नौबत आनी है। कृष्णा तुम लोगों के बारे में और बताऊं या निकल रहे हो यहाँ से? ये बुक लेकर जाओ और इसे अच्छी तरह से पढ़ना।
इफ यू डोंट माइंड मैं तुम्हें घर तक ड्रॉप कर दूं। ठीक है। कम ऑन। हम लोगों को छोड़ के चला गया, एक लड़की के लिए अपने खास दोस्तों को छोड़कर चला गया। कैसे कैसे दिन दिखाएगा ओ कृष्णा, कैसे कैसे दिन दिखाएगा मेरे भाई। क्या पढ़ रहे हो बेटे? कॉलेज से एक बुक लेकर आया हूँ, वही पढ़ रहा हूँ। अच्छी बात है, तुझे पढ़ता देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है बेटा। चल थोड़ा सा खा ले। मैंने खाना खा लिया तो मुझे नींद आ जाएगी, मुझे डिस्टर्ब मत करो। नाउ यू गो। अरे ये क्या है, तुम खाना ऐसे लेकर आ रही हो? उसको खाना नहीं दिया क्या? उसे परेशान मत करो। हा? वो पढ़ाई में बिजी है। हा? इतनी रात को वो पढ़ाई कर रहा है, मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? सब ठीक है, मैं देखता हूँ जरा। भाग्यवान, वो तो सचमुच में पढ़ रहा है। तो मैं झूठ बोल रही थी? हाँ, क्या? तुम झूठ नहीं बोल रही थी, लेकिन ये चमत्कार मुझे मेरी आंखों से देखना था। अंकल सुनिए सुनिए, कृष्णा ने हमें बुलाया था। कृष्णा है? कृष्णा, ये देखो तुम्हारे दोस्त बाहर खड़े हैं, तुमसे मिलने आए हैं। मैं नहीं हूँ, ऐसा बोल दो पापा, कोई भी काम का नहीं है, सबके सब वेस्ट है। मुझे पढ़ाई करनी है। बैठ इधर। पढ़ाई तो सबको ही करनी है यार, मैं भी तो तुम लोग के साथ बैठ रहा ही हूँ ना। चल अब ये थोड़ा ड्रिंक पी और इधर बैठ के एंजॉय कर। सॉरी अंकल, गलती हो गई, हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। इसको देखकर तुम लोग भी थोड़ा पढ़ा करो। ट्राई करते हैं अंकल। चलो चलो। ये है हमारा बेटा, एक बार मन में ठान लिया तो बस ठान लिया। Seven.
1, 2, 3, 4, 25, 30. नमस्ते भाई। हाँ हाँ भाई, ये मैथ्स का सबसे अच्छा स्टूडेंट है। ओहो, क्यों बे, तू मैथ में फर्स्ट आया है क्या? हाँ भाई। तो तू मुझे एक बात बता, इस कॉलेज में तेरे सिवा किसी को मैथ नहीं आता? आता होगा लेकिन मुझे नहीं मालूम। तू बहुत होशियार लगता है रे। ये पेन तुझे दिख रहा है ना, इसकी परिभाषा बता। ये ले पकड़, देख क्या रहा है बे हीरो। चल निकल, अबे निकल रे खजूर। अबे हिलते डुलते लंगूर, अपने आप को माइकल जैक्सन समझता है क्या? नहीं। कुची पुड़ी कर रहा था क्या? नहीं, नहीं। या कथक कर रहा था? नहीं तो? ये एंटीना है क्या? टीवी का वायर है क्या? इसको कान में डालकर हिलते डुलते आ रहा था, सबसे टकराता है। चौड़ा रास्ता चाहिए क्या भाई? पिद्दी जैसा दिखता है फिर भी चौड़ा हो रहा है। नहीं भाई, आधे घंटे के अंदर पैर मुड़वा कर मेरे सामने आ, नहीं तो मुंह काला कर दूंगा। चल चल निकल रहे लंगूर। ए जगदीश, कुछ बताने वाला था बताना। एक लड़की से प्यार करता है, उसने उस लड़की को लव लेटर दिया और उस लड़की ने उसे जोर से थप्पड़ मार दिया। अरे बेटा, ये सब बताना जरूरी था क्या? उस लड़की को मुझ में इंटरेस्ट नहीं। कृष्णा, वो ग्रीन ड्रेस में जा रही है वो नंदिनी है ना? ये अभी कहाँ मिलेगा रे? बाइक पे लेके जाता है, जानता नहीं क्या हम लोग कौन है? बताओगे तब तो मालूम पड़ेगा। नंदिनी को बाइक पे कहाँ ले जा रहा था रे? अच्छा ये बात है, मैं उसका फ्रेंड हूँ। फ्रेंड? हाँ। मतलब गर्लफ्रेंड? मैं बात करता हूँ। अरे फ्रेंडशिप रखना है तो सिर्फ हाय और बाय से काम चला। उसको बाइक पे बिठा के चिपक के होटल कैफे सिनेमा पीवीआर जाके घुमाना तुम्हारा काम नहीं है। उसको प्यार करने वाला ये है, ये किसको घुमाएगा फिर? ए मोटे, मैं नंदिनी से प्यार करता हूँ और नंदिनी सिर्फ मेरे साथ बाइक पर घूमेगी। अगर तूने उसको बाइक पर घुमाने की कोशिश की तो मैं तेरी नंदिनी। तुमने इसे ऐसा क्यों बोला कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? ये बिल्कुल झूठ है। मैंने तुम्हें एक बुक दे दी, इसका मतलब प्यार नहीं होता। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। अपने दिल से ये बात निकाल दो। गुस्से में मैंने बहुत बोल दिया, तुम कहो तो मैं उसे सॉरी बोलता हूँ। ए मोटे, सॉरी बोल रहा हूँ और इससे भी जी नहीं भरा हो तो मुझे आके मार। चाहो तो तुम भी मार सकती हो नंदिनी। मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है। ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। तुम्हें बाहों में थोड़ी ना पकड़ा है, मैंने तो तुम्हारे पैर पकड़े हैं। कम से कम प्यार के लिए नहीं, सिर्फ फ्रेंडशिप के लिए हाँ कह दो ना। ओके ना? तुम एकदम पागल हो गए हो। बस ऐसे रेस्ट कर रहा हूँ। हाँ हाँ, तू मत बता, हम सब समझते हैं प्यार में ऐसा होता ही रहता है। सुन ले, कोई लड़की प्यार नहीं करती है तो उसे डराएगा धमकाएगा उसे हट करेगा, लेकिन तू तो उसके पैर पे गिर गया। अपने प्यार के लिए पैर पकड़ लिया तो तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही है? प्रॉब्लम ये है कि तू एक लड़की का प्यार पाने के लिए उसके पैर पकड़ रहा है। तुझे शर्म नहीं आती? मान मर्यादा सब भूल के तू ये सब कर रहा है। वो सब खोने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस किसी तरह नंदिनी मुझे मिल जाए। ये तो पागल हो गया। हेलो, मैंने कौन सी बड़ी गलती कर दी? तुम बार बार फोन क्यों काट रही हो? मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, इसीलिए मैं तुम्हारा फोन नहीं उठा रही हूँ, समझे? मुझसे बात नहीं करोगी तो मैं पागल हो जाऊंगा। वो तो तुम पहले ही हो। थैंक यू, तुमने जो मुझसे बात की वो मेरे लिए बहुत है। मैं अभी आ रहा हूँ तुम्हारे घर की तरफ। इडियट। Then the number you need to call is one great performer, I think, all the way through. What you lacked, Danny, in technique. Remember these are. मैं अभी आ रहा हूँ तुम्हारे घर की तरफ।
गुड नाइट। ये तो सचमुच पागल हो गया है, इतनी रात को यहाँ पर खड़ा है। क्या हुआ? ओ भाई साहब, ओए, थोड़ा साइड हो जाओ ना, मुझे भी सोना है यहाँ पे। दिखने में तो तू अच्छा है, इतने अच्छे घर का होने के बाद भी तुम्हें फुटपाथ पर मेरे बगल में सोने की क्या जरूरत पड़ गई? वो सब कुछ है, लेकिन वो ऊपर वाली है ना, वो ना होने से सब सुना सुना लग रहा है। मैं उस लड़की से सच्चा प्यार करता हूँ, अब उसकी यादों में मुझे फुटपाथ पर सोना पड़े या फाइव स्टार होटल में रहना पड़े, बात तो एक ही है। ओ, नया प्यार है। करेक्ट पहचाना आपने। अब मैं आपको अपने बारे में क्या बताऊं, मैं उसे बहुत प्यार करता हूं। तुम सुनना चाहोगे? हाँ बताना बेटा। खूबसूरत लड़की, जब भी गुस्सा होती है तो उनको ठंडा करने की एबिलिटी सिर्फ हम लोगों में होती है, ये बात वो नहीं समझेगी। क्या चांद, तू भी आंखें खोल खोल कर ऐसे मेरा तमाशा देख रहा है? जा राउंड मार के आ जा, अभी तेरी कोई जरूरत नहीं है, तू निकल यहाँ से, चल। थैंक्स, अलविदा, कल मिलेंगे, बाय। ये बाहर से बात करने की आवाज क्यों आ रही है? गुड नाइट। ओ माय गॉड, मैंने प्यार से बात क्या की, उसने तो गलत ही समझ लिया, और कल रात को मेरे घर तक आ पहुंचा, मुझे रोज रोज फोन करके डिस्टर्ब करता रहता है। जानती हो, प्यार करने वाले कई तरीके के होते हैं, कोई टाइम पास करता है तो कोई सीरियस होता है, तुम्हें डिसाइड करो कि इनमें से तुम किसे चुनोगी। जहाँ तक कृष्णा का सवाल है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो प्यार और तुम्हारी फीलिंग्स को समझता है, अब तुम उसकी फीलिंग्स को थोड़ा समझो और उसे प्यार से अपना लो। नमस्कार सर, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। कंपनी में मुझे देर तक काम करना पड़ता था, जिसकी वजह से मैं रोज घर लेट पहुँचता था सर। उसकी वजह से मेरी बीवी झगड़ा करती है, वो मुझसे कहती है कि मैं उसको संभाल नहीं पाता हूँ, उसका ख्याल नहीं रखता हूँ, इसलिए वो कोर्ट में जा करके मुझसे तलाक लेना चाहती है। सर मेहरबानी करके मेरा ये केस आप हैंडल कर लीजिए सर। ये डिवोर्स केस है, इसमें बहुत पैसे खर्च होंगे, तुम इस केस में 2,00,000 रुपए खर्चा कर सकते हो? नहीं सर, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, वैसे भी मैंने अपना काम खो दिया है सर, इतने पैसे मेरे पास नहीं है सर। मैंने सुना है आप बहुत अच्छे लायर हो सर। सर मैं आपका पैर पकड़ता हूँ, मेरा केस हैंडल कर लीजिए सर। देखो, हम लोगों की किस्मत में भगवान ने जो लिख दिया है, किसी इंसान में इतनी ताकत नहीं है जो उसके नसीब को बदल दे। मैं तुमसे कोई फीस नहीं लूंगा, तुम्हारी हालत देख करके मुझे दया आ रही है। आई विल हैंडल योर केस। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। उसने तुम्हारे पैर क्या पकड़ लिए, तुम मान गए? नहीं डियर, जो गुस्से में रहता है वो कॉलर पकड़ता है, जरूरतमंद पैर पकड़ता है, क्या हम उस इंसान के लिए इतना भी नहीं कर सकते? ये तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। तुम्हें बाहों में थोड़ी ना पकड़ा है, मैंने तो तुम्हारे पैर पकड़े हैं, कम से कम प्यार के लिए नहीं सिर्फ फ्रेंडशिप के लिए हाँ कह दो ना। ओके ना? प्यार कर बोल के सीधे पैर पर गिर गया। पैर पर गिर गया प्यार करने के लिए? वो इतनी खूबसूरत है क्या? बहुत खूबसूरत है। ऐसी बात है तो मैं उसे जरूर देखूंगा। भाई भाई देखो, वही है वो। देखकर तो मेरे होश उड़ गए यार। अगर मेरा बस चले तो अपना सिर काट कर मैं इसके पैरों में रख दूंगा भाई। नंदिनी, अगर तुम्हें कोई बहुत पसंद करता हो तो तुम्हें तकलीफ होती है क्या? तुम्हें देखकर मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करने लगा हूँ। अगर तुम मेरे साथ आओगी तो तुम्हारे घर वाले भी सुखी रहेंगे। युबे हीरो, इसके साथ प्यार करने के सपने देख रहा है क्या? हाँ, इसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है, ये सच है क्या? भाई तुम जरा साइड में आकर खड़ी हो जाओ।
आप तो इतने बड़े भाई हो, ऐसे छोटे छोटे टेंशन क्यों ले रहे हो? जाने दो ना। ए, तुम चलो यहाँ से, मैं सेटलमेंट करके आता हूँ। तुम रुको। अच्छा, वो मोटा इसको अपनी बाइक पर लेके गया तो तुझे गुस्सा आया, अब मैं उसको बाइक पर लेके जा रहा हूँ, मुझ पर भी गुस्सा करेगा? नहीं भाई। करना भाई। भाई अबे करना, चल मेरे साथ, चल बैठ। कभी नंदिनी के नजदीक जाने की कोशिश भी की तो मैं तुझे फाड़ के रख दूंगा। नंदिनी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। मुझे यहां क्यों बुलाया? सबके सामने तुमने ये कहा कि तुम मेरे लिए कुछ भी करोगे, ऐसा क्यों कहा? एक कान के नीचे मारू क्या? कैसी लड़की है तू? मैं कोई रिकॉर्डिंग कैसेट हो क्या जो बार बार बजता रहूंगा? वैसे तू अपने आप को समझती क्या है? इस पूरी दुनिया में तू अकेली खूबसूरत लड़की है क्या? तेरा वजन किया तो पाव किलो मांस भी नहीं निकलेगा। चार लोगों के बीच कैसे रहना चाहिए ये सीख ले, नहीं तो कोई भाव नहीं देने वाला। कौन से तुम्हारे बाप दादा की जायदाद लुट गई इस तरह से मुंह फुलाकर बैठी रहती है वो एक रोबोट की तरह? बहुत बड़ी 30 मार खा हो क्या? सुनो, आज तक मैंने तुमको जो इज्जत दी वो मेरे लिए काफी हो गया। आज से तुम्हारा मेरा रास्ता अलग। मेरी ओर से तुम्हें बहुत बड़ा नमस्कार। अब मैं चलता हूँ। आज तक हम सिर्फ एक दूसरे के लिए थे, लेकिन आज से हम दोनों के दिल एक दूसरे से जुड़ गए हैं।
तेरा प्यार की ये बोली कायनात भी बोली तू मेरी जाने जा मैं तेरा दीवाना जीना यहाँ मरना यहाँ सब माया जाल है जाल है जाल है जाल है जाल है तू मेरी जान है टेंशन है। मेरे पिताजी ने मेरे लिए एक रिश्ता देखा और उसके लिए हाँ भी कर दी और दूसरी तरफ नंदिनी का रिश्ता उसके घर वाले किसी एनआरआई के साथ फिक्स कर रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं मैं। कैसा रिश्ता? किसके साथ? मंडिया, शंकर गौड़ी की बेटी है। क्या मंडिया? मंडिया गांव बोले तो पूरा आतंकवाद से भरा पड़ा है। मंडिया से शंकर गौड़ी के हुक्म के बिना एक पत्ता नहीं ला सकते हो। एक चोर के घर में चोरी करने में कितना बड़ा प्रॉब्लम होता है। शंकर गौली के घर से उसकी बेटी नंदिनी को लाने में उससे बड़ा प्रॉब्लम है। नंदिनी को इस तरह से लाना इतना आसान काम नहीं है। ये काम तो 100% कॉटन और 0% पॉलिस्टर की तरह बुद्धिमान आदमी तो सिर्फ एक ही है। कौन है वो आदमी? जो पूरे कर्नाटक में फेमस है और वो है SMS सेटलमेंट सत्या। तू उसके पास जा, काम मांग और काम करते हुए कुछ ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो खुद तुम्हें नंदिनी के घर लेकर जाएगा। तुम लोग एक दूसरे से प्यार करते हो और तुम्हारे प्यार में कहीं कुछ भी नहीं है और इसके बाद तुम्हारे साथ कुछ होता है तो घर वाले डिस्कस नहीं करेंगे। वाकई में बहुत सुपर्ब है। तुम लोगों का ये प्लान फैंटास्टिक प्लान है। इस बात को लेकर के तुम लोग टेंशन मत लो, बिल्कुल कूल रहो। राजा जी जो बोलते हैं बिल्कुल सही बोलते हैं। लो सुनो। पीछे आ रहे हैं।
क्या करूं है भगवान, सब मुझे छोड़कर चले गए, मैं यहाँ भूखे प्यासे मर रहा हूँ, समझ में नहीं आता क्या करूं है भगवान। इधर जाता हूँ तो मरूंगा, उधर जाऊंगा तो मरूंगा, मैं क्या करूं समझ में नहीं आता। ए भगवान तू ही मदद कर। सर? कृष्णा, अरे देखा ना, उन गुंडों के डर से तुमने लड़की को छोड़ दिया ना, मुझे पता है तुम कैसा लड़का है। तेरी फट गई ना। मुंह बंद कर, उधर देख, इधर देख, सब ठीक है ना? मैं तो तुम्हें कमजोर समझता था, लेकिन तुम बड़े बहादुर निकले भैया। वो गुंडे होने की वजह से उनके हाथ में तलवार है, इसलिए वो लोग जोश में है, ये उनकी साइकोलॉजी है। और मेरे साथ मेरी मोहब्बत है, इसलिए मैं शांत हूँ, ये मेरी साइकोलॉजी है। मैं इसको कैसे कब्जे में करूँ? भाई आप ही? क्या है भाई? जरा एक मिनट इधर आएंगे भाई। आ रहा हूँ। आइए। क्या बात है भाई, क्यों बुलाया? इसको देखकर आपको क्या लगता है भाई? अच्छा लड़का है, अच्छे घर का है, अच्छा स्टैंडर्ड वाला है, बहुत अच्छे खानदान का है ये लड़का। अच्छा, और मुझे देखकर क्या लगता है? रहने दे भाई। बता दो ना भाई। अरे रहने देना भाई। अरे मजाक क्यों करता? बता दूं? हाँ, बता दो, बता दो। बता दूं? हाँ, बता दो। तुम्हें देख कैसा लग रहा है, रेलवे ट्रैक पे जानवरों को भगाने वाले चरवाहा हो, ठीक है ना? मजाक कर रहे हो ना? सही बोला ना? अरे पीछे क्या है? तेरी जान का बाजा मारूं। अरे जा, चल भाग यहां से, चल इधर निकल। गलती हो गई भाई, इधर कहां जाता है? उधर जा, पीछे भाग यहां से, भाग यहां से, भाग यहां से। मेरा मजाक उड़ाता है साला। ए कृष्णा, अरे रे, ए कृष्णा, कृष्णा क्या यार, अपने प्यार के लिए मुझे भूल गए, मुझे अकेले छोड़कर जा रहे हो तुम लोग, मुझे भी अपने साथ लेकर चलो ना यार। अगर तुझे मेरे साथ चलना है तो मेरी कुछ कंडीशंस हैं। हाँ बोलो, मुझे सब मंजूर है। अच्छा चला जा, आजा 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 आजा। प्यार के चक्कर में मैं धक्के खा रहा हूँ। सर, सर, आप ऐसे में सत्या हो ना? हाँ, तुमने मुझे पहचान लिया ना? सर आपके यहाँ पर एक मस्सा होता था, वो कहाँ गया? और ये सब क्या है, क्या हाल बना रखा है? जब आदमी का वक्त बुरा होता है तो उसका तिल तो क्या परछाई भी साथ छोड़ देती है। वो तो ठीक है, पर इधर कहाँ जा रहे हैं सर? किसको पता है, किसको पता है, वो जिधर लेकर जा रहा है मैं उधर जा रहा हूँ। वो लेकर जा रहा है, आप उसके साथ जा रहे हो, ये क्या चक्कर है सर? अरे मेरा कोई चक्कर नहीं है, ये फर्स्ट टाइम है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, कहाँ सो रहा हूँ, इस बस से मेरा क्या संबंध है, मुझे कुछ पता नहीं है, बस ऐसे ही चला जा रहा हूँ। क्या सर, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं सर? मुझे कुछ पता नहीं। आप चिंता मत करिए सर, सब ठीक हो जाएगा, भगवान बहुत बड़ा है। खड़े हो जा। क्या हुआ सर? खड़े हो जा बोला ना। वो हंसते रहेगा, मैं रोते रहूंगा, इस बस में इनके साथ घूमते रहूंगा, ये लोग खाना खाएंगे और मैं उसका बिल भर दूंगा। अब इन सब बातों से मेरा क्या संबंध है, तुम ही बोलो। अब जल्दी से जा यहाँ से, इस बस में तू मुझे दोबारा दिखना मत, जा। अरे तुम लोग हंसते रहो, मजे करो, मुझे कोई टेंशन नहीं है। भाई साहब नमस्कार। भाई की गाड़ी पंचर हो गई है, तेरे पास जैक है क्या? हाँ मैं लाके देता हूँ। भाई गाड़ी पंचर हो गई है क्या, क्या मैं स्टेपनी चेंज कर दूँ? ठीक है कर दे। अब मजा आएगा। तू यहाँ क्या कर रहा है, तेरे साथ वाले कहाँ गए? भाई वो क्या बोला? भाई वो लोग मुझे बीच रास्ते में छोड़ दिया, इसलिए मैं बस से आ रहा हूँ, अगर मुझे मिल गया तो मैं घर ले आऊंगा। अरे तू कहीं मत जा, नीचे आ जा। भाई मुझे रहने दो ना। अरे नीचे आ जा। मैं लेकर, भाई मैं आ रहा हूँ।
तुम लोग पीछे जाकर छुप जाओ, किसी को पता ना चले। वो लोग यहीं सामने खड़े हैं। ऑल द बेस्ट, जाओ जाओ जाओ। ए मेरी बात सुनो, किसी रिश्तेदार या दोस्त के घर पर मत रुकना, वरना फंस जाओगे। जाओ जाओ, पीछे जाकर छुप जाओ, जाओ जाओ जाओ। अरे लगता है मुझे नहीं छोड़ेगा। चलो बैठो। मुझे माफ कर देना पापा, मैं कृष्णा से प्यार करती हूँ। आप उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैं सही कर रही हूँ या गलत मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे माफ कर देना। हेलो कृष्णा, तू फिकर मत कर, तू आराम से रह, हमारी चिंता मत कर। उस शंकर गौड़ी के बारे में तू बिल्कुल टेंशन मत लेना। इस वक्त कहाँ है? फिलहाल तो मैं अभी सीसीडी कैफे में बैठा हूँ। हाँ, हम लोग मिलते हैं वेंकटेश्वर कॉलेज में। वहाँ का वॉचमैन अपना जान पहचान का है। ये फोन की बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। थैंक्स। मैं बिल पेड करके आता हूँ। सर। हाँ जी बोलिए। ये लीजिए। अरे जीजा, मैं गौरी शंकर बात कर रहा हूँ। तुमने मेरे बेटे पर हाथ डाला था, ये बात मैं नहीं भूल सकता। जिस गौरव से तू अपनी बेटी की रक्षा करता है वो तेरा कर्तव्य है। जिस तरह सूरज उगता है उसी तरह चांद डूबता भी है, उसी तरह तेरे घर की इज्जत बचनी चाहिए। आज नंदिनी मेरे पास है, मैं नंदिनी को लेकर आ रहा हूं। तुम निश्चिंत रहो, ठीक है? मर्द का बच्चा है तो हाथ लगा कर दिखा। मेरी मर्दान की देखनी है, चल आ जा, तुझे बताता हूँ। सब के सब इस पर टूट गए। Thank you.
हाँ गौरी। अब जीजा तुम यहाँ आने वाले थे ना? जीजा आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। नंदिनी कहाँ है? हाँ हाँ जीजा, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया जीजा। ए, तू किधर है? ए, क्या हुआ भाई? भाई को बुला लेना चाहिए था ना। अगर तुम लोगों पे भरोसा रखे ना तो पूरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तुम लोग एक आदमी को नहीं मार सके, वो तुमको मार के चला गया। चल जल्दी गाड़ी निकाल। हाँ निकाल। बेवकूफ कहीं के। The number you are trying is currently unavailable. ची। फोन बंद करके रखा है। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कुछ पता नहीं। ए, यहाँ पे कोई आया था क्या? हाँ आया था ना। हा? कौन, कहाँ है? आप ही तो हो, आप ही आए हो ना। क्या सर, मंदिर बंद हो जाए तो पुजारी नहीं रहता, कॉलेज बंद हो जाए तो स्टूडेंट्स नहीं रहते। इतनी सी बात आपको समझ में नहीं आती सर? आओ, क्या हुआ, मुझे क्यों मार रहे हैं आप? जितना तुमसे पूछा जाए उतना ही बोलो। सर आप लोग बात समझिए सर, मैं एक साधारण सा वॉचमैन हूँ। अगर आप मुझे खुलकर बताएंगे तो मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की कि आखिर कौन आया था। जिसे आप लोग ढूंढ रहे हैं उनसे कोई रिश्ता है क्या? एक लड़का और एक लड़की, दोनों लवर्स भाग कर आए हैं। सर अगर वो लोग मुझे मिल जाएंगे तो मैं बता दूंगा कि आप लोग उन्हें ढूंढ रहे हैं, है ना सर? हट, बार बार क्यों मार रहे हैं सर आप? पहले तू ठीक से बात करना सीख ले। चल। तुम लोग मेरे पीछे छुपे हो और मुझे पता नहीं चलेगा, तुम लोग कहीं ये तो नहीं सोच रहे हो ना? सर एक्चुअली वो न्यू लवर्स आउट विलेंस, वो लोग यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। जब तक मैं यहाँ ड्यूटी कर रहा हूँ तब तक तुम लोगों को मेरे रहते कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। थैंक्स सर। सर आपका नाम? स्टीफन, यहाँ का वॉचमैन। सर मेरा नाम कृष्णा है और ये नंदिनी। तुम्हारे दोस्त ने फोन करके मुझे सब कुछ बता दिया है। सर ये आपके तुम लोग मुझे कुछ दोगे ये सोचकर मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा हूँ। जो लोग हिम्मत करके निकल आते हैं और जो तकलीफ में हो उनको आसरा देना चाहिए, ऐसा मेरी बीवी कहती है। सर तो फिर क्या हुआ? वो इसी कॉलेज में लेक्चरर है। वो बहुत लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगा, अभी तुम लोग आराम करो। ले लीजिए सर। सुनो भाई। हाँ? इस फोटो वाली लड़की को तुमने कहीं देखा है? हाँ? तुम लोगों को क्या बताऊं, तुम लोग कभी सुधरोगे नहीं। अब देखो ना, फ्लाइट फास्ट है, ट्रेन फास्ट है, तुम लोग इतने स्लो क्यों हो? ये फोटो दिखाकर कितने लोगों से पूछोगे बताओ? भाई इसको देखा है क्या, इसको देखा है क्या, इसको देखा है क्या? सीधा सीधा काम करो ना। पेपर में ऐड दो, टीवी में ऐड दो, इंटरनेट पर भी डाल सकते हो। टीवी पर इस लड़की का फोटो दो और वो लोग आए, कोई बताए उसको इनाम मिलेगा। अरे जाओ कहीं जाकर और ढूंढो, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। अरे अरे मेरा मोबाइल। सर आपने मेरा मोबाइल देखा क्या? टीवी पर, पेपर पर, इंटरनेट पर एडवर्टाइज कर, सेकंड्स में पता चल जाएगा तुझे। ऐसे कैसे पता चलेगा सर? 2000 का मोबाइल चोरी हो गया तो इतना टेंशन ले रहा है? 20 साल से जिस लड़की की उम्मीद लगाकर बैठा था, आज उसका किडनैप हो गया तो मुझे कितनी टेंशन हो रही होगी। ये बात समझ में आई? चलो रे। चल चल, अब बहुत नाटक हो गया, पानी पी ले। लोग खाना खाते हैं तब थाली देखकर खाना खाते हैं, और तू अपने पापा का मुंह देखकर खाना खाती है? पापा, मम्मी को जलन हो रही है, आप भी मम्मी को अपने हाथों से खिलाइए ना। नहीं बोला ना, नहीं। प्लीज ना मम्मी, एक निवाला सिर्फ मेरे लिए। हे भगवान, तू पागल तो नहीं हो गई ना? अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये ले खा, मेरे हाथ से खाना खाना बहुत नसीब की बात है। हमने उसे इतने सालों तक पाला पोसा, सब बेकार चला गया। सुनो पद्मा, हमारी परवरिश में क्या कमी रह गई थी? वो जो कुछ भी मांगती मैं चला कर देता रहा। उसके लिए मैंने क्या क्या सपने देखे थे, वो मेरे लिए जान से भी बढ़कर थी। मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूँ, मेरे दिल पर क्या बीत रही मैं ही जानता हूँ। पता नहीं ऐसा क्यों हो गया। ऐसा मत कहिए, बच्चे जब छोटे होते हैं तो हमें डर होता है कि उन्हें कुछ हो ना जाए, और जब वो बड़े होते हैं तो घर छोड़कर भाग जाते हैं।
ये बड़े दुख की बात है। और वो अगर मेरे भाई को मिली है तो हमें भी मिल ही जाएगी। ये सोचकर मैं खामोश नहीं बैठ सकता। मुझे मेरी बेटी को कैसे घर लाना है ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। भागते हुए थक गया क्या? पानी चाहिए? चलो उठ। जिनको भागना था वो तो भाग गए, तुम लोग अपनी जान क्यों दे रहे हो? बता दो वो कहाँ गए? दुनिया में हमेशा ऐसा ही होता है कि प्यार करने वाले को भागना पड़ता है, दोस्तों को मार खाना पड़ता है। क्यों? क्यों ऐसा होता है? आप भी वैसा ही कर रहे हैं, लेकिन हमें कुछ पता नहीं वो कहाँ गया। हमें कुछ नहीं पता है, ये बताने के बाद भी हमें इतना सता रहे हैं, ये कौन सा इंसाफ है? इंसाफ चाहिए? हाँ 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 मालिक, तुम्हारा बेटा 3 टीके लगाकर मेरे पास काम मांगने आया था। वाह, लड़की को लेकर भाग गया। तुम्हारे तो बाप के भी बाप को बुलाकर मारना चाहिए रे। तुम्हारे बेटे को आंख से अंधा करके, कान से बहरा करके, नाक मुंह से खून गिरा कर छोड़ दूं। मुझे पूरे राज्य में घुमाया और मेरे धंधे की वाट लगा दी उसने। उसकी तो मैं जान लेकर छोड़ूंगा। तेरे को बुला वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। कहाँ है रे तेरा बेटा? हमें कुछ भी नहीं पता। हाँ? और अगर पता होता तो हम आपको पहले ही बता देते। इस तरह से इतनी जिल्लत सहने की जरूरत क्या है? सुनिए, जहाँ तक मुझे लॉ का एक्सपीरियंस है, सेक्शन 267 का चार्ज लगेगा उसके ऊपर। वो हमारी एक ही बेटी थी। तुम्हारा लड़का मेरी बेटी को भगा ले गया, मैं उसे कोर्ट में घसीटूंगा। अरे चारों तरफ से लोग हमारे ऊपर थू-थू कर रहे हैं, हम अपने समाज को क्या मुंह दिखाएंगे? अब हम अपने गांव वालों को क्या जवाब दें? क्यों ना भाई, बोलो। मैंने पढ़ाई के लिए उसको तुम्हारे पास भेजा था। जब वो प्यार कर रही थी तब तू सो रहा था, आज जब वो घर छोड़ के भाग गई तब तू इज्जत की बात कर रहा है। तुम्हारे बच्चों को तकलीफ देने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं तो बाप होने का फर्ज अदा कर रहा हूँ कि मेरी बेटी कहाँ है, मुझे ये जानना है। इसलिए अभी तक मैं तुम लोगों से सिर्फ बातें कर रहा हूँ, वरना मैं देख लेता। कान खोल कर सुन लो तुम लोग, तेरे बेटे ने मेरी बेटी को मुझसे अलग किया। वो चाहे कहीं भी जाकर छुप जाए, उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। घबराओ मत तुम लोग, मैं प्रेम हूँ और ये शीतल है। हम सब फ्रेंड्स हैं, हम सब इसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तुम्हारे प्यार के बारे में पता चला इसलिए हम लोग आए हैं। अभी हम लोग अलग हैं, आप लोग अलग हो, ये बात इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि तुम दोनों आपस में एक हो जाओ। डोंट वरी, बी हैप्पी। थैंक्स। हम लोग साथ दे रहे वो इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट ये है कि तुम दोनों का प्यार सफल हो जाए। कल ही मैरिज ऑफिस जाकर तुम दोनों की शादी करवा देंगे। तुम्हारा नाम? मेरा नाम कृष्णा है, ये नंदिनी है। ये फॉर्म फिलअप कर दो। जी सर। थैंक्स। इनका साक्षी कौन बनेगा? मैं दूंगी। जी मैं। आपका नाम? मेरा नाम प्रेम है सर, वेंकटेश्वर कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। अब
अगर आने वाले 3 दिन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो आपकी शादी हो जाएगी। थैंक यू सर। वेलकम। हेलो कृष्णा, नंदिनी हम मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस में शादी करने के लिए आए थे और गवाह के रूप में वहीं के कॉलेज वेंकटेश्वर के स्टूडेंट्स उनके साथ थे। फिलहाल वो लोग वहीं रह रहे हैं, वहाँ जाकर तुम लोग उन लोगों को देख लेना, शायद वही होंगे। सर सर, कौन चाहिए आपको? यहाँ प्रेम कौन है? पिछली बार लवर्स के बारे में पूछ रहे थे, अब प्रेम के लिए पूछ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है सर? वजह पूछेगा तो तेरा टटुआ दबा दूंगा। स्टीफन, ये क्या हो रहा है? इनको प्रेम चाहिए। कौन सा प्रेम सर? फिल्मी प्रेम चाहिए या प्लेबॉय प्रेम? बीए प्रेम है, बीकॉम प्रेम है, बीटेक प्रेम है, मेरा मतलब आपको जैसा चाहिए वैसा मिल जाएगा सर। जरा खुलकर बताएंगे सर, इस वेंकटेश्वर कॉलेज में जो है बहुत सारे प्रेम है, जो चाहो मिल जाएगा। इस कॉलेज में 15 लड़कों का नाम प्रेम है, आपको कौन सा प्रेम चाहिए? इस दस से उसे बाहर आने को बोलो, नहीं तो क्या कर लोगे आप? बोलिए क्या करेंगे? बुराई से लड़ने के लिए एक रास्ता होता है और एक रास्ता होता है इसे बचाने का, इसलिए स्टूडेंट्स को धमकी मत दिया करो। इसको तो मैं खत्म कर देता हूँ। तुम्हें पैंट शर्ट पहनते हो क्या? कोई भी स्टूडेंट को हाथ लगाए ना, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा सब हिल जाएंगे। अगर तुम्हें हिम्मत है खुद जाकर ढूंढो उसे, इस तरह स्टूडेंट से पंगा लेना महंगा पड़ेगा। इतने लोगों से उलझना ठीक नहीं है, उसे ढूंढना इम्पोर्टेंट है। चल। नंदिनी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? वो ठीक हो जाएगी यार, टेंशन में तो होगी ही, अपने घर वालों से दूर जो हो गई है ठीक हो जाएगी। गाड़ी के पीछे जाना जरूरी नहीं है, नंदिनी को हॉस्पिटल ले जाना जरूरी है। पापा, डॉक्टर, नंदिनी घबराने की कोई बात नहीं है, अभी सब कुछ एकदम नॉर्मल है। तुम उसे अपना बनाना चाहते हो तो कल जाकर के उससे शादी कर लो, अगर तुम चाहते हो कि लड़की जिंदा रहे। नंदिनी को उसके माँ बाप के पास जल्दी से ले जाओ, मैं दवा लिख देता हूँ, वो दवाइयां समय समय पे देते रहना। ये चोट मुझे देता तो अच्छा होता। तुम टेंशन मत लो यार, नंदिनी और तुम्हें कोई अलग नहीं कर सकता, तुम्हारा प्यार जरूर सक्सेस हो जाएगा। मम्मी, नंदिनी, नंदिनी, मेरी बच्ची। यहाँ से तो जिंदा बचकर नहीं जाएगा ये जानते हुए भी तुमने यहाँ आने की हिम्मत कैसे? तुम मुझे मार डालोगे इस डर से मैं यहाँ पर नहीं आया हूँ। मुझे आपका नाम भी पता नहीं था, मुझे तो इस बात का भी अंदाजा नहीं था कि आपका नाम सुनकर गांव के लोग थर-थर कांपते हैं। मुझे पता था तो सिर्फ नंदिनी और नंदिनी का प्यार। उस दिन इसने मुझसे कहा कि मुझे यहाँ से लेकर चलो, मैं लेकर गया। आज इसने बोला मुझे पापा के पास जाना है तो मैं लेकर आया। मेरे लिए नंदिनी की खुशी इंपॉर्टेंट है, थोड़ी देर के बाद मेरे मम्मी पापा यहाँ पर आ जाएंगे, आप लोग आपस में बात कर लो और मेरी और नंदिनी की शादी करा दो। नंदिनी, हम बहुत जल्द मिलेंगे।
तू मेरी बेटी को भगा कर ले गया था और अब वापस लाया है, इसलिए तुझे जिंदा जाने दे रहा हूँ। प्यार करने वाले घर से भागते हैं तो शादी करने के बाद ही वापस आते हैं, और एक तू है जो ऐसे ही घर पे लाकर लड़की को छोड़ दिया। क्या इसीलिए मैंने तेरी हेल्प की थी? हाँ, तुम्हारे जैसा आशिक मैंने पहली बार देखा है। तुमने अपने प्यार का गला घोट दिया और देखोगे भी नहीं। मैं नंदिनी को उसके घर पर छोड़ कर जा रहा हूँ। नंदिनी को भले ही मैंने उसके घर पर छोड़ दिया है, लेकिन वो मेरे दिल में है। कृष्णा, नंदिनी को छोड़ने जा रहा था, मैंने फोन पे बताया तू मत जा। तू वहाँ छोड़ने तो जा रहा है लेकिन तेरा वापस आना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। मैं कब से उसको फोन लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, नॉट रिचेबल, नॉट रिचेबल बता रहा है ये तो। सुनो जी, मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं कृष्णा को क्या हो गया है जी। अगर उसके साथ कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं बचूंगी जी। मुझे मेरा बेटा चाहिए, मुझे मेरा बेटा ला कर दो। वो लोग हमारे घर पर धमकी देकर गए थे, लेकिन कृष्णा तो उनकी जगह पर गया है, क्या उसे छोड़ देंगे? चलो हम लोग चलते हैं, शंकर गौरी से जाकर पूछते हैं। चलिए चलिए ना अंकल। चलो। नमस्कार, हमारा बेटा आपकी बेटी को छोड़ने आया था, लेकिन अब तक वो वापस घर नहीं आया है। मुझे नहीं पता वो अपने किसी दोस्त के यहाँ गया होगा, जाके पता करो, तुम्हें वो वही मिलेगा। अब जाओ। आप बड़े हो, आपको ऐसी बातें शोभा नहीं देती। मेरा बेटा बुरा नहीं है, अच्छा लड़का है कृष्णा। आपकी बेटी ने सिर्फ इतना कहा कि मैं अपनी मम्मी पापा से मिलना चाहती हूँ, तो कृष्णा यहाँ ले आया। आपकी बेटी आपको नहीं मिली तो आप लोग हम सबको डराने धमकाने हमारे घर आ गए। अब हमारा बेटा हमको नहीं मिल रहा है तो क्या हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं? कृष्णा मेरा इकलौता बेटा है, अगर आपको कोई शिकायत हो तो गुस्सा आप मुझ पे उतार सकते हैं। देखिए, ये बहुत अच्छे लोग हैं, बेटा वापस न आने से दुखी है। आप इनके बेटे को ढूंढ कर इनके घर भिजवा दीजिए। भाई, हमने उसको कुछ नहीं किया। देखिए, मैं भी एक बाप होने के नाते आप लोगों का दुख समझ सकता हूँ। हमारे आदमियों ने आपके बेटे के साथ अभी तक ऐसा कुछ भी गलत नहीं किया है। आप लोग चिंता मत कीजिए, वो अपने आप घर आ जाएगा। मामा, आपने उसे यहां से जाने दिया, लेकिन मैंने उसे इस दुनिया से ही हटा दिया है। आपके घर में अशांति फैलाने वाले को हमने हमेशा के लिए शांत कर दिया है, अब आप निश्चिंत रहिए, अभी सब कुछ भूल जाइए। अब अपनी बेटी नंदिनी की शादी उस एनआरआई के बदले मेरे बेटे से कर दो, इसी में हम सब लोगों की भलाई है। नंदिनी, आप क्यों रो रही हैं? आपको लग रहा है इन्होंने कृष्णा को मार दिया? नहीं, कृष्णा को कुछ नहीं हो सकता, वो एकदम ठीक है। हाँ मम्मी, पापा ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि कृष्णा को मैं अपने दिल से निकाल दूं, लेकिन कृष्णा का प्यार मेरे दिल से कभी नहीं निकल सकता। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो वो हमेशा जिंदा रहेगा। मैं भगवान से दुआ करूंगी। गणपति बप्पा होरिया, गणपति बप्पा होरिया, गणपति बप्पा होरिया, उठ जावर सी होरिया, उठ जावर
बात नहीं है। नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब तो मिल गया है ना, और कुछ नहीं चाहिए बेटा, कुछ नहीं चाहिए मुझे। अरे पगले, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, हमें बताया क्यों नहीं? नंदिनी को लेकर मैं आपके पास आने ही वाला था पापा, लेकिन उसे अपने माँ बाप से मिलना था। उसका बाप इंसान है या राक्षस है? उसने हमको तो विश्वास दिलाया कि आप लोग निश्चिंत होकर जाइए, और पीछे से वार कर दिया मेरे जिगर के टुकड़े पे। नंदिनी के पापा ने मुझे नहीं मारा, बल्कि इस साजिश में किसी और का हाथ है डैडी। आंटी आप रोइए मत, कृष्णा को कुछ नहीं होगा। देखिए, आपकी बेटी हमें पसंद है, लेकिन वो किसी और लड़के के साथ भाग गई थी, इसलिए हम आपकी बेटी को हमारे घर की बहू बनाकर नहीं ले जा सकते। हम हमारे घराने की इज्जत का सवाल है ना। चल उठ। उठना। बोला उठना। नसीब वाला ही मेरे जीजा जी से बात कर सकता है। हजारों लोगों की दुआ से हमारे जीजा जी यहाँ पहुंचे हैं। अब तुम दिमाग खराब मत करो। अगर दोबारा मेरे घर के बारे में इस तरह की बात की तुमने तो मैं एक एक को काट कर फेंक दूंगा। रिश्ता पसंद है तो ठीक है, नहीं तो जाओ। अपने आप को बहुत शान समझते हो क्या? हाँ? ए! तुम तो कहते थे कि अमेरिका से आया है, लॉन्ड्री वाले से भाड़े पर सूट लेकर पहन लिया और कहते हो कि अमेरिका से आया, अमेरिका से। देखो हमने कुत्ता पाल रखा है, ज्यादा होशियारी करोगे तो तुम्हारे ऊपर छोड़ दूंगा। ए बद्री, इन खटिचरों को बाहर का रास्ता दिखाओ, चलो बड़े आए अमेरिका वाले, चलो बाहर। अरे तुझे टाई की क्या जरूरत है, चल निकल यहां से। जीजा जी, मैं सोच रहा हूँ आपको बुरा न लगे तो एक बात बताऊं, आपकी बेटी नंदिनी की शादी मेरे बेटे सूरी से करवा दीजिए। जिससे आपकी इज्जत पे कोई आंच भी नहीं आएगी। अब मान जाओ जीजा। वैसे भी मेरा बेटा सूरी उसको बहुत पसंद करता है जीजा। एनआरआई लड़के के बजाय इन दोनों की शादी हो जाएगी तो हम दोनों जीवन भर आपकी सेवा करते रहेंगे जीजा जी। इन दोनों की शादी करवा देते हैं। क्यों बैठा है बेटा? कुछ नहीं मम्मी। तू एक बात बता, तू घर छोड़कर गया था तब हमें तूने एक फोन किया था? जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है बेटा, ये सोचकर इन सारी बातों को भूल जाना, समझ गया? जिंदगी में ऐसे भी मोड़ आते हैं बेटा इंसान को। आओ बच्चों, तुम ही समझाओ जरा इसे। नंदिनी के कहने पर सेंटीमेंट में आके तूने उसे वापस उसके घर छोड़ दिया, मगर तुझे मालूम है क्या, और आज उसके पिताजी नंदिनी की शादी शंकर गौरी के लड़के से करवा रहे हैं। नंदिनी की शादी में हम सभी लोगों को भी इनवाइट किया है वेडिंग कार्ड भेजकर। ये देखो।
नंदिनी की शादी भले ही उसके साथ फिक्स हो गई है, लेकिन उसके गले में मंगलसूत्र मैं ही पहनाऊंगा। लगता हूँ क्या? हाँ, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है मेरी वजह से, यहाँ जितने भी लोग आए हैं मेरी वजह से, तुम लोग यहाँ खड़ी हो मेरी वजह से, क्या समझी? SMS ये पकड़ो महात्मा गांधी ने हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाई है, जैसे उनको मिली हम लोगों को भी स्वतंत्रता मिलने वाली है। ए, बहुत दिन हुए एक साथ बैठकर दारू नहीं पिए।
जाओ एक बोतल लेकर आओ, आराम से बैठकर पिएंगे, कोई डर नहीं है, हम सब मिलके एंजॉय करेंगे। आज बहुत बड़ा फंक्शन है, हमसे कोई पूछने वाला नहीं है, आज हम लोग बहुत बहुत मजे करेंगे। हेलो। मैं आपका असिस्टेंट हूँ सर। असिस्टेंट? तुम्हारी आवाज तो सुनी सुनी लगती है, कौन हो भाई? आप सही जा रहे हो सर, लोग मुझे कृष्णा नाम से पुकारते हैं। कृष्णा, कृष्णा तू अभी तक जिंदा है क्या? ये सब आपकी मेहरबानी है सर। और सुना है क्या नंदिनी की शादी उसके मामा के बेटे के साथ हो रही है? ये सच है? हो रही है। तो तू क्या करेगा, तू क्या करेगा बोल। कूल डाउन। आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? एक काम करना, मेरे होने वाले ससुर जी से ये कह दीजिए कि शादी में ज्यादा खर्चा ना करें। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ पता है क्या? क्योंकि नंदिनी की शादी जो है इस कृष्णा से होने वाली है। और मैं ये सारी बातें आपको क्यों कह रहा हूँ पता है? क्योंकि आप मेरे बहुत खास हो। अब ये बात सब लोगों को आराम से बता देना, ठीक है ना? तू मुझे बेवकूफ समझता है क्या? हाँ, टोपी लगाकर मैं बेवकूफ दिखता हूँ क्या? सर, आपने सुना ना सर, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है सर। ऐसुरी, अब जाकर उसके सारे दोस्तों को और उसको भी पकड़ कर ले आओ। बाबा, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। तुम्हारा बेटा कहाँ? नहीं मालूम। वो आज भी कहता है कि वो मेरी बेटी से शादी करेगा। उस दिन मैंने उसे जाने दिया, ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। आपको उसके साथ जो करना है करिए, लेकिन आपको हम लोग इस तरह बेइज्जती करके क्या मिलने वाला है भला? वो तुम लोगों को ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएगा, इसलिए आज मैंने तुम लोगों को यहाँ बुलाया है, देखता हूँ आज कैसे बचता है। ए बद्री, इन सबको अंदर बंद कर दो। भाई 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 भाई, इनको रूम में बंद करना ठीक नहीं होगा भाई, ये क्रिमिनल फैमिली है, इसलिए क्रिमिनल की तरह इन्हें जेल में बंद कर देना चाहिए। भाई देखिए भाई, आपके इस SMS की उस कृष्णा ने क्या हालत कर दी है भाई। ठीक है, इनमें से कोई भी गायब हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं। नहीं भाई। बद्री, नंदिनी, इन सबको अंदर बंद कर दे, इसको भी लेकर जा, ले जा, इसको भी लेकर जा, सबको अंदर बंद कर दे। अरे क्या कर रहा है? चलो, क्या कर रहा है? मेरी प्यारी बनिया बनेगी दुल्हनिया, सज के आएंगे दुल्हन। अरे मेरे भाई, मुझे हार पहनाएगा क्या? हाँ, पहनाएंगे पहनाएंगे। सॉरी सॉरी सर, रेडी हो ना? 1 2 1 2 स्टार। थैंक यू। 1 2 3 स्टार। मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, सज के आएंगे दुल्हन राजा, राजा जाएगा बाजा। अरे मैं तुम लोगों को फूल सजाने के लिए दिया था, तो तुम लोग इससे खेल रहे हो? नहीं सर। हाँ, कहाँ सजाया? वो है ना सर। तो कैसा लग रहा है? चल के देख लो कैसा लग रहा है। क्या बात है। अब कैसा है? अच्छा नहीं लगा। सजाओ। अरे यार, ये अच्छा है बुरा है कैसा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इस पागल को समझ में नहीं आ रहा है। मेरी समझ में आ गया। शांत हो जाओ भाई, काम करो भाई। मुझे अकल सिखा रहा है। जरा दरवाजा बंद कर देना। जूस प्लीज, आप लोग इस वक्त मुझे अकेला छोड़ दीजिए। नंदिनी, हरामखोर, मैं कृष्णा बात कर रहा हूँ। तू मुझे ऊपर पहुँचाने के लिए निकला था, लेकिन मैं मरा नहीं हूँ। मेरे सर पे तो भगवान का आशीर्वाद है, इसलिए मैं बच गया। अब तू नंदिनी का ख्वाब देखना छोड़ दे, क्योंकि मैंने नंदिनी को उठा लिया है। ससुर जी, चार लोगों के दिमाग से बनाए हुए मास्टर प्लान है। कैसे लोग हैं ये? वो लोग पीछे जा रहे, होल्ड करो, होल्ड।
रहे हैं, जल्दी भगाओ। आधे इधर आओ, आधे उधर जाओ। भाई अच्छी लग रही है। नंदिनी आपका आशीर्वाद हमें मिलेगा या नहीं इसकी मुझे कोई गारंटी नहीं थी, लेकिन आप यहां पर आ ही गए हैं तो हमें आशीर्वाद देकर जाइए। इसकी शादी किसके साथ होगी और किसके साथ नहीं ये हमें पता नहीं, लेकिन जब इन दोनों की शादी हो रही है तो आप खुशी खुशी इन दोनों को विदा कर दीजिए भाई साहब। देखिए भाई साहब, ये शादी ना तो मेरे कहने पर हो रही है और ना आपके कहने पर, ये इन दोनों का प्यार है। और कृष्णा तो मेरा इकलौता बेटा है और नंदिनी भी तो आपकी इकलौती बेटी ही है ना, शायद आप भूल गए हैं। दया करके इन दोनों को एक हो जाने दीजिए, यही हमारी ख्वाहिश है। हमारे बच्चे जहाँ भी रहे खुश रहें, बच्चों की खुशी में ही तो हमारी खुशी होनी चाहिए ना भाई साहब। आगे आगे आपकी मर्जी। मेहरबानी करके इनकी शादी होने दीजिए, हमारे बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है। अब फैसला आप ही को करना है। भाई साहब जो होना था वो हो चुका, कृष्णा और नंदिनी की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। भाई साहब दोनों की शादी हो जाने दीजिए। अब तुझे क्या कहना है बोल। भाई अब मैं क्या बोलूं भाई, भूख लगती है तो खाना चाहिए, प्यास लगती है तो पानी चाहिए, वैसे ही प्यार होने पर शादी होनी चाहिए भाई। काशी में गंगा रहती है वैसे ही कृष्णा के दिल में नंदिनी बसी है भाई। भगवान की, हृदय की और प्यार की आंखें नहीं होती हैं, फिर भी दिखता है भाई। इन दोनों के प्यार को एक हो जाने दीजिए, होने दीजिए ना भाई। न जाने कितने बच्चे घर से भागते हैं और अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। उसी तरह मेरी बेटी भी घर छोड़कर भागी थी, मुझे डर था कि इसकी जिंदगी भी बर्बाद ना हो जाए, ये आत्महत्या ना कर ले। लेकिन जिस दिन मेरी बेटी को वापस घर लेकर आया उसी दिन ये मुझे पसंद आ गया था, और आज इसके घर वाले खड़े होकर मेरी बेटी की शादी करवा रहे हैं। और अब आज मुझे लग रहा है कि मेरी बेटी इसी के साथ खुश रहेगी। तुम जिससे प्यार करती हो उसी से शादी कर ली, खुश रहो। ये क्या कर रहे हो? जिसने तुम्हारी इज्जत की ऐसी की तैसी कर दी, घर में आकर, वो भी तुम्हारे घर में आकर, फिर भी इसी किडनैपर के साथ अपनी बेटी की शादी करवा रहे हो जीजा जी, ये करते आपको शर्म नहीं आई जीजा जी? नंदिनी की शादी सिर्फ मेरे बेटे से होगी। ए, अपनी बकवास बंद कर, इन लोगों ने मुझे बदल दिया है, वरना तुम्हारी बकवास सुनने के बाद इस तरह मेरे सामने जिंदा खड़े नहीं रहते। अब हम डरने वाले नहीं हैं, ना ही तुम कुछ कर सकते हो जीजा जी। बेटा सूरी खींच ले इसको। Oh!
भाई 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 भाई, ओ सॉरी सॉरी, भगवान की दया से इन दोनों की शादी हो गई, आप भी खुश हो गए और भाई मुझे भी खुशी हो गई। अब इन दोनों की जिंदगी भगवान खुशियों से भर दे, यही मेरी दुआ है। भाई अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहा है? रुक जा। क्यों भाई? तुम्हारी वजह से मुझे इतना अच्छा दामाद मिला। ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा। अभी तुमसे एक और काम बाकी है, वादा करो तुम उसे पूरा करोगे। क्या काम है भाई? नवासी के लिए भी अच्छा लड़का लगा। ये अभी बाकी है। Yeah, tell me, girl.